डॉक्टर साहब जब हमारे किसान भाई इसको कटाई कर लेंगे तो उसके बाद का प्रोसेस वो किस तरह से करेंगे? अब देखिए, होता क्या है कि किसान भाई के पास खेत देहात में ऐसा होता है कि कुछ खेत एक जगह पर हैं, कुछ खेत दूसरी जगह पर हैं, कुछ खेत तीसरी जगह पर हैं। अब मान लीजिए किसान भाई एक खेत का आज कटाई किए, है ना, उसके बाद वो क्या करेंगे, उस कटाई करने के बाद उस सारे कटे हुए पुआल के साथ जो धान आपका है उसको खेत में ही बिछा करके छोड़ देते हैं सूखने के लिए। गलत तरीका है, क्योंकि जैसे ही आप ज़मीन पर उसको छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ज़मीन का जो नमी है उससे आपका जो ग्रेन का जो क्वालिटी है वो ख़राब होने लगता है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, बहुत सा ज़मीन में कीड़े मकोड़े के अंडे और ये सब रहते हैं, हाँ, फफूंद वगैरह रहते हैं, वो सब आपके धान के बीज में लगने की संभावना रहती है। तो बेस्ट तरीका ये है कि आज जैसे मान लीजिए आप सब कोई एक खेत है जिस पे आप कटाई करने घुसे हैं, तो वहाँ पर आप खेत नीचे से काट लीजिए। काटने के बाद सबको पहले बंडल बनाइए, बंडल बना के उसको अपने खलिहान में पहुँचाइए। जब आप खलिहान में पहुँचा देते हैं वो खेत, एक सवाल है यहाँ पर भी, खलिहान किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें क्या व्यवस्था होनी चाहिए खलिहान का? खलिहान देखिए, खलिहान को धान काटने से पहले आपको खलिहान तैयार करना होगा। खलिहान अक्सर गांव में किसान भाई जो जहां पर धान की मिसाई वगैरह करते हैं उसको पहले से तैयार करना होता है। तैयार करने का मतलब ये है कि उसको ये कोशिश होनी चाहिए कि वहां पर किसी तरह का नमी ना हो, किसी तरह का फफूंद का अवशेष ना हो, किसी तरह का उसमें रोड़ा पत्थर आपने कहा वो सब ना हो। तो उसके लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि गोबर और चूने का लेप करके और उसको पहले लिपाई करके उसको सूखने छोड़ देना चाहिए, जिस एरिया में आप धान का बंडल ला के रखेंगे और जिस एरिया में आप उसका मिसाई करेंगे। तो ये चूना और गोबर का प्रयोग करने से ये होगा कि एक तो ज़मीन आपकी समतल हो जाएगी, किसी तरह का रोड़ा खुदरापन नहीं रहेगा, और तीसरा जो भी उसमें बीमारियां हैं वो वहीं पर दबी रहेंगी, वो ऊपर नहीं आएंगी, है ना। तो इसके बाद आप वहां से, मैंने बताया ना कि जो बंडल बनाया आपने उसको ले करके अपने खलिहान पे पहुंचा दीजिए। अब एक खेत का काम खत्म हो गया, अब इसके बाद आप दूसरी खेत पे जाएंगे, यही प्रक्रिया वहां भी अपनाएंगे। फिर दूसरी खेत का जब आप पूरा अनाज जो है काटने के बाद, पुआल सहित जो काटने के बाद उसको खलिहान पे पहुँचा दिया, इसी तरह से तीसरे चौथे पांचवे छठे जहाँ तक भी आपका ज़मीन है वो एक एक करके आप धान को कटाई करना शुरू करें। तो इसके बाद आप मिसाई कर सकते हैं। मिसाई करने के लिए बहुत सा तरीका है, एक तो पैडी थ्रेसर जो पैर से चलता है, ये काफ़ी इकोनॉमिकल होता है और हम समझते हैं मैनुअल होता है जी, और हम समझते हैं कि इससे आप एक दिन में बहुत ज़्यादा धान का मिसाई आप कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत जगह आप देखे होंगे कि गोल गोल बिछा देते हैं और उस पर ऊपर जानवर को चलाते हैं, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें टाइम भी बहुत लगता है और प्रॉपर मिसाई नहीं हो पाता है। 10% 20% धान में जो अनाज है वो उसी में छूट जाता है। बहुत सी जगह आप देखे होंगे कि लोग पटक पटक के करते हैं, हाँ, तो ये भी सही तरीका नहीं है, इसमें काफ़ी एनर्जी खर्चा होता है, किसान भाई थकते भी हैं और ग्रेन बहुत जगह इधर उधर छितराता है ना। तो ये सबसे अच्छा है कि जो मैनुअल पैडी थ्रेसर है उसका इस्तेमाल कीजिए और इससे आप धान की मिसाई आप कंप्लीट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है भंडारण, सबसे मुख्य चीज़ है, तो भंडारण की व्यवस्था कैसे करें, कौन सी विधि अपनाएं ताकि ज़्यादा सुरक्षित रहे ना? देखिए, भंडारण के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि भंडारण के लिए धान को तैयार करें, है ना। जब तक आपका धान तैयार नहीं है तब तक आप भंडारण पर नहीं जा सकते। तैयार करने से मतलब ये है कि धान को अच्छी तरह से सन ड्राइंग करना, यानी धूप में धान को सुखाना। कब तक सुखाएंगे इसको कम से कम 8 से 10 दिन तक इसको सुखाइए, ताकि इसका जो मॉइस्चर है वो कम से कम बचे, है ना। तो जब धान इस तरह से तैयार हो जाएगा तब इसको भंडारण के लिए ले जाएंगे, और भंडारण से पहले ये कोशिश करें कि जो भंडारण स्थल है उसको धुआं हुआ करके इसको रोगाणु मुक्त कर लीजिए, विषाणु मुक्त कर लीजिए, और तब इसमें धान को आप भंडारण कीजिए। भंडारण करने के बाद ये ध्यान रखिए कि इसको एयर टाइट सील करें, ताकि अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर ना आ पाए।